पंजाब के फिरोजपुर की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। बता दें, ये जो वीडियो सामने आया है, ये पंजाब के अस्पतालों में डॉक्टरों की गुंडागर्दी की कहानी बयान करता है। ये जो तस्वीर है फिरोजपुर सिविल अस्पताल से आई है। तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं, सिविल अस्पताल में एक शख्स एक महिला की पिटाई कर रहा है। बाल पकड़कर ये शख्स उस महिला से मारपीट कर रहा है। तस्वीर जरा देखिए। अस्पताल के अंदर का ये पूरा वीडियो है, जहां पर एक शख्स महिला के बाल पकड़कर उसके साथ पिटाई कर रहा है। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि महिला के साथ में मारपीट कर रहा ये शख्स एक डॉक्टर है, और जिस महिला से मारपीट हो रही है वो अस्पताल में साफ सफाई करने वाली महिला है। महिला का ये कहना था कि उससे अपनी तनख्वाह मांगी तो डॉक्टर ने उसके साथ में मारपीट शुरू कर दी, और जब महिला से मारपीट हो रही थी तो उस वक्त कई लोग मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी महिला को बचाने की कोशिश तक नहीं की। तस्वीरों में और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये कि जो वीडियो सामने आया, इस दौरान नजर आ रहा है कि इसमें दो पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन पुलिसकर्मी भी शांत खड़े रहे। इन पुलिस वालों ने भी महिला को बचाने की कोशिश तक नहीं की। ये वीडियो वाकई में हैरान करता है। सिविल अस्पताल का ये पूरा वीडियो है फिरोजपुर के। वीडियो वायरल हुआ तब जाकर स्वास्थ्य विभाग ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जांच के लिए कमेटी बनाई है, जबकि मौके पर मौजूद दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कुत्ता लाग गया, जब मैंने कोई पैसा नहीं देना, मैं फ्री से रखना, मैं फ्री से कौन रहता, मैं फ्री से नहीं मैं रहती। जब मैंने पैसा दोगा तो मैं आऊंगा, तो मैं नहीं आऊंगा, मैं अंजी गाल आखिया। तो सुना आपने उस पीड़ित महिला को, साफ कहना है कि जब उससे पैसों की मांग की तो उसके बाद में उसके साथ क्या सलूक किया गया, ये तस्वीरों में कैद हो चुका है। और हमारे सहयोगी फिरोजपुर से गुरदर्शन संधू हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। गुरदर्शन, बहुत हैरानी वाली बात ये है, पहली बात तो अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर महिला के साथ बदसलूकी करता है, बाल पकड़कर बुरी तरह से मारा जाता है। अस्पताल के अंदर की पूरी तस्वीर है, पुलिस वाले मौजूद होते हैं लेकिन किसी ने रोकने तक की कोशिश नहीं की। बिल्कुल नैना, ये फिरोजपुर में जो मामला सिविल हॉस्पिटल में सामने आया था, बड़ा ही चौंकाने वाला और एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला था। जब जहां एक डॉक्टर जो आम लोगों के साथ प्यार से बिहेव करना होता है, वहीं एक डॉक्टर जालमाना तरीके से औरत को बालों से खींचकर बाहर लाता है और पीटता है। मामला ये था कि वो औरत जो कच्चे तौर पर हॉस्पिटल में काम करती है और साफ सफाई के साथ साथ डॉक्टरों को चाय पानी की सप्लाई भी करती थी, और अपने दांत खराब होने के चलते इसने दांत ठीक करवाने के लिए डॉक्टर से पैसे मांगे थे, अपनी तनख्वाह मांगी थी, जिसके चलते डॉक्टर जो है वो उसमें गर्मी में आ गया और उसको बालों से पकड़कर वो खींचकर बाहर शरियाम लेके आ गया। और वहां मौजूद जो लोग थे, जो वहां इलाज करवाने आए थे, उन्होंने ये जो वीडियो अपने मोबाइल से बनाया और बाद में ये वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई करते हुए है ना, दो जो पुलिस मुलाजिम थे जो सामने पीट रहा डॉक्टर था, उन्होंने छुड़ाया नहीं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और जो डॉक्टर है उसके लिए सिविल हॉस्पिटल यानी सेहत विभाग ने एक कमेटी बना दी है, और कमेटी की आज रिपोर्ट आएगी कि कमेटी वो डॉक्टर को सस्पेंड करती है या उसके ऊपर क्या चार्ज लगते हैं, ये आज देखना होगा नैना। बिल्कुल गुरदर्शन, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस डॉक्टर पर आरोप लगे हैं, क्या उनके खिलाफ इस तरह की पहले भी शिकायतें आती रही हैं? क्योंकि जो बर्ताव नजर आ रहा है उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल ना, मैं बता दूं कि ये जो डॉक्टर हैं कुशलदीप सिंह, ये नाक कान गला, ये इसके जो एमडी थे, और ये पहले भी थोड़ा इनका स्वभाव में गर्मी देखी गई है, पहले भी इक्का दुक्का शिकायतें इनकी आई है, मगर ये तो हद ही कर दी इन्होंने कि एक गरीब मासूम जो औरत थी उसको बालों से पकड़कर इन्होंने पीटा। वो जो औरत है उसके दो बच्चे हैं, गाँव की रहने वाली है, अपनी तनख्वाह मांगने गई थी तो डॉक्टर साहब ने उनको पीट दिया है। बिल्कुल गुरदर्शन, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो काम करने वाली एक महिला का तनख्वाह मांगना डॉक्टर साहब को इतना ज्यादा नागवार गुजरा कि उसकी इस कदर मारपीट की गई। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि जो वीडियो सामने आया उसमें दो पुलिसकर्मी भी मौजूद थे लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, अब डॉक्टर के लिए खिलाफ भी टीम गठित की गई है। हिंदुस्तान स्टेट्स मेक द नेशन।